साथियों, मैं नैन गुरु आपको आज गणेश चतुर्थी के बारे में बताना चाहता हूँ। गणेश चतुर्थी जो है ये हिंदुस्तान का क्या सारे संसार में ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ पर्व है और ये 10 सितंबर को शुक्ल पक्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाएगा, यानी कि 10 सितंबर को। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि गणेश जी जो है बुद्धि के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, आपके विघ्न हरता है, यानी उसमें सारी बातें आ जाती हैं। जब वो विघ्न हरता हो गए तो यानी कि यूं समझ लीजिए कि सारे आपके दुख दर्द जो है, अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो ऐसे समय में आपके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से गणेश जी की ये जो है इस दिन 10 सितंबर को पर्टिकुलरली अब की बार जो 2021 में मनाया जा रहा है, ये खास करके आपके महाराष्ट्र का जो एरिया है बॉम्बे, वहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और गणेश जी के 8 नाम हैं, उनमें सिद्धि विनायक जो सबसे मंगलकारी नाम है, उसके रूप में गणेश जी का ये उत्सव मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये 10 तारीख को जो गणेश जी हैं वो आप मूर्ति स्थापना कर सकते हैं, और 19 सितंबर को यानी के रविवार के दिन यानी चतुर्थी तिथि को आप जो है मूर्ति स्थापना कर सकते हैं, और चतुर्दशी तिथि को जो है विसर्जन किया जाता है ढोल गाड़े बाजे के साथ और ढोल ढमाके के साथ मोदक मिष्ठान के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। और पूजा का समय गणेश जी का वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि इस गणेश जी के जो महत्व क्या है। गणेश पंचांग के अनुसार सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, तो गणेश जी जो है शुक्रवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये मनाया जाएगा, और ये इस दिन जो है पंचांग के अनुसार ये आपका शुभ नक्षत्र होगा और शुभ राशि होगी, यानी चंद्रमा भी कन्या राशि में होंगे और बुध ग्रह भी जो है कन्या राशि में उच्च के होके संचार कर रहे हैं इस समय पे। और क्यों मनाते हैं हम गणेश जी को? पौराणिक मान्यता बताई गई है कि भादुआ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कैलाश पर्वत से माता पार्वती के साथ गणेश जी का आगमन हुआ था, इसी कारण इस दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी का वर्णन मिलता है। भगवान गणेश जो है बुद्धि के दाता है, ये सभी जानते हैं। इसके साथ ही उन्हें विघ्न हर्ता भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि संकटों को हरने यानी कष्टों को दूर करने वाले हैं। अब ये इसका पूजा मुहूर्त मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो 10 सितंबर को 11:03 से शुरू होगा और 1:32 तक शुभ मुहूर्त है ये 10 सितंबर को। ये आप जो है ध्यान रखें, इस समय पूजा पाठ का समय बहुत अच्छा है इनके लिए। और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो रात को 9:57 पर समाप्त हो जाएगी। चलिए, और गणेश जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब गणेश जी की पूजा उपासना करें तो किन बातों का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते मत चढ़ाएं, कृपया, जैसे शिव जी की उपासना करते हैं वैसे ही गणेश जी की भी तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं उस दिन। और इसके साथ साथ जो है उनका, जैसे हम दिया जलाते हैं तो
मूर्ति को भी अंधेरे में ना रखें, दिया जलाएं, उसको इधर उधर ना हिलाएं ज़्यादा, फिक्स कर दें तो अच्छा है जो आप दिया बत्ती जलाएंगे। तीसरा, मोदक मिष्ठान जो आप पूजा में सामग्री देते हैं, आप उससे विधि विधान से पूजा कीजिए, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। कोई भी विघ्न है, कोई भी परेशानी है किसी भी किस्म की संसार में, उसका हल सिर्फ गणेश जी करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो बुद्धि के दाता है, एजुकेशन के दाता है और विघ्न हरता है। सिद्धि विनायक के रूप में मैंने जैसे बताया 8 नामों में, उनका जो नाम है वो मंगल माना जाता है और उसी के नाम से सिद्धि विनायक के रूप में ही गणेश जी की पूजा की जाती है। अतः आप भी इसका लाभ उठाएं और गणेश जी की पूजा उपासना करें। 10 सितंबर से लेके और 19 सितंबर तक आप ये कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और आपके दुखों में, परेशानियों में जो है कमी आएगी या समाप्त होंगे उनकी कृपा से, गणेश जी की कृपा से। और इसके साथ ही मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।